आज हम राजीव प्रताप रूड़ी जी से बात कर रहे थे तो सत्तू पिला रहे थे सबको, और उन्होंने ये कहा कि रोहिणी आचार्य जो है वो मुखौटा हैं, वो लालू यादव का मुखौटा है। दरअसल लड़ाई जो है वो लालू यादव से ही है। ये बात तो 100% सही है, क्योंकि रोहिणी आचार्य जो उम्मीदवार बनी हैं वो लालू जी की बेटी हैं, और लालू जी ही चुनाव लड़ रहे हैं परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, और किसी भी दर्शक को इसमें कोई शंक की गुंजाइश नहीं होगी, आप पूछ सकते हैं। तो जितेंद्र राय साहब, बीजेपी ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि लालू यादव ही अपरोक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, मुखौटा हैं रोहिणी आचार्य। देखिए, ये इस मंच से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता का पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है, नेता ही वोट दे देता है, नेता ही चुनाव जीतवा देता है। तो क्या अच्छा कोई भी नेता उस लायक नहीं था लड़ने के लिए? उम्मीदवार चुनाव उसी बेस पर लड़ता है जब उसके साथ कार्यकर्ता होता है। तो रोहिणी आचार्य जी जब घूम रही हैं तो जो अपार भीड़ और स्नेह जो मिल रहा है तो स्पष्ट है। तो अब ये तो साजिश करेंगे, और साजिश के तहत कहेंगे लालू जी की बेटी है इसलिए वही नेतृत्व कर रहे हैं। अरे भाई, तो रोडवा पर जो लोग आ रहा है वो तो अपने सुरक्षा से ना आ रहा है, और भीड़ से घबरा के तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हम तो लालू जी को उम्मीदवार मान रहे हैं। ये तो सच्चाई है, अपना सोच है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जितेंद्र राय जी कह रहे हैं कि भीड़ आ रही है, कैसे स्वीकार करेंगे? समर्थन है। देखिए जितेंद्र भाई मेरे मित्र रहे हैं, अच्छे लोग आज भी हैं, इसमें कहीं दुमत नहीं है, और ये जरूर तैयारी कर रहे थे, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारी इनसे मित्रता बहुत पुरानी है और आज भी है। लेकिन पार्टी ने जो तय किया, ये पार्टी के सिपाही के नाते काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उम्मीदवार लालू प्रसाद जी हैं। तो ये बात मान लीजिए कह रहे हैं कि हर दल के लोग हम लोग के संपर्क में है, तो ये तो अच्छी बात ना है जी? हम तो वही बात बोल रहे हैं कि पूरा जनता प्यार से और लालच से, दबाव से बहुत सारी बातें होती है, लेकिन आपके सवाल का अंतिम जवाब है कि निश्चित रूप से लालू जी ही उम्मीदवार हैं।